नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही कमाल की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रैंक मैथ एसईओ टूल के बारे में, कि आपको रैंक मैथ एसईओ टूल जो है वो क्यों यूज करना चाहिए, इसमें क्या खास है जो आपके पास यूज एसईओ में नहीं है, और क्यों आपको जो है रैंक मैथ एसईओ यूज करना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है और क्या क्या हमें बेनिफिट मिलते हैं जो हमें Yoast SEO में नहीं मिलते हैं। Yoast SEO के बारे में आप श्योर कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, यूज भी किया होगा, लेकिन रैंक मैथ SEO में जो है बहुत ही एडवांस चीजें अवेलेबल हैं जो कि हमें Yoast SEO में देखने को नहीं मिलती। तो आज जो है मैं आपको प्योरली वो सारी चीजें बताने वाला हूं जो रैंक मैथ के अंदर अवेलेबल है, और वो आपको किस तरह से हेल्प करती हैं, और क्या जो आने वाला 2020 में जो हमारे आने वाला जो फ्यूचर है उसके अंदर जो हमारे एसईओ टेक्निक्स हैं, क्या हमें रैंक मैथ एसईओ वहां पे भी इतनी ही प्रॉफिट दिलवा पाएगा जितना कि आज पिछली पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर Yoast SEO जो है वो दिला रहा था। तो दोस्तों, यहां पे आगे बढ़ने से पहले जो है मैं बता दूं आपको कि आप जल्दी से मुझे जो है सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, वहां पे आपके सभी सवालों के जवाब और आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है दिए जाते हैं, तो आप जल्दी से जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो जो है आपको फॉलो करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और जानते हैं कि ये रैंक मैथ एसईओ क्या है और क्या एडवांस इसके फीचर्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक चीज आप लोगों को बता दूं, ये रैंक मैथ एसईओ टूल का जो है बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे जब आपके पास खुद की होस्टिंग होगी, यानी कि आप वर्डप्रेस के ऊपर आपके ब्लॉग को अगर होस्ट कर रहे हैं तो वहां पर ही आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर हैं तो वहां पे इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि रैंक मैथ एसईओ में क्या ऐसी खास बातें हैं। सो दोस्तों, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं मैं रैंक मैथ वेबसाइट के ऊपर ही हूं, और यहां पे इन्होंने खुद जो है यहां पे एक कंपैरिजन करके दिया है। तो Yoast SEO तो हम अब तक बहुत सब लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने यूज किया है, इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी वेबसाइट पे मेरी ये Yoast SEO ही यूज कर रहा हूं। लेकिन अब जो है क्योंकि रैंक मैथ के जो फीचर्स हैं वो जब देखने के बाद डेफिनेटली हमें जो है रैंक मैथ SEO पे स्विच होना पड़ेगा। रीजन बीइंग कि Yoast SEO के अंदर जो है आपको फ्री के अंदर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं, और रैंक मैथ SEO आपके लिए फ्री है, तो आपको यहां पे जो है कोई भी पैसा पे नहीं करना, और यहां पे बहुत सारे एडवांस फीचर आपके लिए अवेलेबल है। तो आप यहां पे देख सकते हो, मैं अभी सिर्फ स्क्रोल करके बताता हूं और फिर इसके बीच में जो खास जो आप लोगों के लिए है वो मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा। अदरवाइज आपके मैं धीरे धीरे स्क्रीन को स्क्रॉल करना स्टार्ट करता हूं, आप खुद ही देख सकते हैं रैंक मैथ एसईओ के अंदर क्या है और Yoast SEO के अंदर जो हमें नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे क्रॉस लगे हुए हैं Yoast SEO पे, और वहीं पे जो है हमारे पास अगर हम रैंक मैथ एसईओ की बात करें तो वहां पे टिक लगे हुए हैं। तो यहां पे कंपैटिबिलिटी चेक जो है यहां पे अवेलेबल है, सिंपल सेटअप विजार्ड अवेलेबल है, क्लीन यूजर इंटरफेस अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पे LSI जो कीवर्ड टूल्स इंटीग्रेशन है, तो ये जो है बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा आपको कि किस तरह से ये जो चीज है वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। ट्रैकिंग कीवर्ड रैंकिंग जो है ये आपके लिए अवेलेबल बहुत ही अच्छा है। गूगल सर्च कंसोल इंटीग्रेशन, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज जो है यहाँ पे हमें रैंक मैथ एसईओ में मिल रहा है कि गूगल का सर्च कंसोल का जो है इंटीग्रेशन हमारे लिए अवेलेबल है। यहां पे जो है एडवांस एसईओ एनालिटिक टूल्स हैं, 70+ डिटेल्ड एसईओ टेस्ट अवेलेबल है, एसईओ एनालाइज स्कोर अवेलेबल है, यहां पे जो है आपका एसईओ स्कोरिंग जो है वो भी आपको यहां पे बताएगा, एसईओ फेल्ड टेस्ट कौन कौन से हैं वो भी बताएगा, यहां पे ऑटोमेटेड इमेज एसईओ जो है वो बताएगा, पावरफुल पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है उसके बारे में यहां पे हमें एडवांस मिलता है, ऑटो एड एडिशनल मेटा डेटा जो है मिलता है यहां पे, फिर यहाँ पे गूगल कीवर्ड सजेशन जो है वो भी हमें यहाँ पे इनबिल्टी मिल जाते हैं। अगर मतलब आप ये एसईओ टूल डालते हो रैंक मैथ वाला, तो यहाँ पे गूगल कीवर्ड सजेशन जो है, क्योंकि कीवर्ड सजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो जब भी हम काम कर रहे हैं अपने ब्लॉग के अंदर, तो जब लिख रहे हैं तो वहां पे हमें अगर चीजें जो है पहले से प्रॉम्प्ट होके मिल जाए तो वो हमारे लिए और ज्यादा बेहतर जो है साबित होती है।
उसके बाद जो है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन टाइटल जो कौन कौन सा टाइटल है, जो टाइटल है हम जो डालते हैं उनका जो कैपिटल होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है आपके पास। फिर यहाँ पे जो है आपको मॉडल बेस्ड सिस्टम अवेलेबल है, एडवांस रीडायरेक्शन मैनेजर अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि एडवांस रीडायरेक्शन मतलब अगर कोई भी ब्लॉक का हमने यूआरएल चेंज कर दिया है तो उसका पुराने यूआरएल को और नए यूआरएल पे शिफ्ट करने के लिए हमें एक अलग प्लगइन यूज करना पड़ता है। लेकिन यहां पर आप जो भी आपका ब्लॉग है अगर आप उसका इनकेस यूआरएल चेंज करते हो तो आप वहीं पे फुटर साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप वहीं से पुराना यूआरएल से नए यूआरएल के अंदर जो है आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो वेबसाइट पे 404 का जो एरर मैसेज होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप देखते हो स्मार्ट एंड ऑटोमेटिक पोस्ट रीडायरेक्शन, चाहे वो 301 हो, 20302 हो, 307 हो, 410 हो, 451 है। अब ये सब क्या होते हैं इनके लिए भी अलग से मैं एक टूल आपको जो है वीडियो बना के दूंगा ताकि आप लोगों को ब्लॉगिंग के अंदर ये सारी चीजें भी जो है समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे प्लगइन्स के अंदर ये सिर्फ नंबर लिखे होते हैं और जब हम कई बार वेबसाइट्स को अपने ब्लॉग्स को एनालाइज करते हैं वहां पे भी ये सिर्फ नंबर देखने को मिलते हैं। इनका मतलब क्या है वो भी मैं आपको जो है आने वाले वीडियोस के अंदर पूरा कवर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे डिबग रीडायरेक्शन वगैरह अवेलेबल है, सिंपल 404 मॉनिटरिंग का यहाँ पे अवेलेबल है, फिर यहाँ पे जो है रोल मैनेजर आपके पास अवेलेबल है, 14 गूगल स्कीमा मार्कअप टाइप जो है यहाँ पे अवेलेबल है। ये बहुत ही बढ़िया टूल है, जब मैं आपको प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो आपको प्रैक्टिकल देने वाला हूं तो ये रैंक मैथ के ऊपर जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके पास पहले से यूज्ड एसईओ है तो वहां पे जो आपकी रैंकिंग बनी हुई है, जो आपके जो है एसईओ हो रखा है उसको जो है बिना लूज किए आपको ये रैंक मैथ एसईओ को किस तरह से यूज करना है तो वो सारी चीजें भी जो है मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे जो है इवेंट रिच स्निप्ट जो है वो भी है, जॉब पोस्टिंग रिच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जॉब पोस्टिंग्स करते हैं लेकिन योस्ट के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं था, तो जो जॉब पोस्टिंग करते हैं उसके लिए एक अलग प्लगइन आता है, वहां पे जो है ये चीजें अवेलेबल नहीं थी योस्ट एसईओ के अंदर, तो उनके लिए यहां पर ये जॉब पोस्टिंग वालों के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो जो है अपने जॉब पोस्टिंग्स को भी और ज्यादा अच्छे से एसईओ के अंदर जो है लेके आ सकते हैं और इसका इस्तेमाल करके जो है वो अपनी जॉब पोस्टिंग को भी बहुत ही जल्द जो है गूगल के नंबर वन पेज के ऊपर ला सकते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है आप यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में भी जो अगर कोई WooCommerce वगैरह इंस्टॉल करता है तो वहां पर जो है कई बार यूएस एसईओ के बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपको फ्री के अंदर प्रोडक्ट के लिए भी मिल रहा है कि आप प्रोडक्ट की भी जो है बहुत आसानी से यहाँ पे जो है एसईओ कर सकते हो, वहां पे आप एसईओ को जो है डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो, तो ये भी एक काफी अच्छा जो है चीजें अवेलेबल है। रेसिपी का अवेलेबल है, रेस्टोरेंट रिच स्निप्ट है, फिर रिव्यू रिच स्निप्ट है यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये वीडियो रिच स्निप्ट अवेलेबल है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें एडवांस देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑटो फेसबुक ओपन ग्राफ जो है ये खैर एसईओ में योस्ट में भी अवेलेबल था, इसमें भी अवेलेबल है, लेकिन योस्ट के अंदर बहुत सारे इसमें से जो फीचर हम हमारे टिक दिख रहे हैं वो फ्री के अंदर जो है अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे यहाँ पे जो है योस्ट के अंदर प्रीमियम वर्जन के अंदर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे रैंक मैथ के अंदर आपके पास 100% आपके लिए फ्री है। तो यहाँ पे ट्विटर कार्ड फॉर होम जो है वो अवेलेबल है, सोशल प्रीव्यू जो है अवेलेबल है यहाँ पे गूगल प्लस के यूआरएल है, लिंक्डइन यूआरएल, इंस्टाग्राम यूआरएल है, यूट्यूब यूआरएल है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटरेस्ट यूआरएल है, तो ये काफी सारे बेनिफिट हमें देते हैं क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया है। अलेक्सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट को जो है अलेक्सा वेरिफिकेशन जो है वो मिल जाता है, क्योंकि अगर योस्ट की बात करते हैं वहां पे हमें मैनुअली ये चीजें करनी पड़ती है, बट यहाँ पे जो है आपको अलेक्सा साइट वेरिफिकेशन जो है मिल जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है अलेक्सा के अंदर रैंकिंग में भी जो है काफी बेनिफिट मिलता है। फिर प्रिंटरेस्ट साइट वेरिफिकेशन हमें यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे नॉर्टन सेफ वेबसाइट वेरिफिकेशन मिल जाता है कि अगर हमारी वेबसाइट सेफ है, अगर हम रैंक मैथ का एसईओ करते हैं तो वहां पे हमें जो है यहाँ पे सेफ साइट जो है नॉर्टन की तरफ से वो भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ पे बहुत ही चीजें हमें कमाल की हैं, जैसे कि यहाँ पे जितने भी एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं उनको जो है यहाँ पे हमेशा नए टैब के अंदर जो है ऑटोमेटिकली ओपन किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड करके दिया गया है कि नो फॉलो फॉर ऑल एक्सटर्नल इमेज लिंक, अगर कोई आपने इमेज डाली और उसके अंदर जो है आपने एक्सटर्नल लिंक डाल के रखे हैं
तो उनको जो है आपकी वेबसाइट से नो फॉलो में जाना चाहिए। तो वहां पे अगर जिनको अच्छे से पता है कोडिंग वगैरह आती है तो वो तो नो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो नो फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो जो है यहाँ पे डू फॉलो लिंक दे देते हैं, जो कि दूसरी वेबसाइट्स के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन अभी आप लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रैंक मैथ एसईओ का इस्तेमाल करते हो आपको जो है नो फॉलो ऑल एक्सटर्नल लिंक जो है इमेजेस लिंक वो भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जितने हम एक्सटर्नल लिंक डालते हैं वो भी यहाँ पे फॉलो में जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप उनको भी बाय डिफॉल्ट जो है वो नो फॉलो के अंदर जाने वाला है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमें चीजें देखने को मिल रही है। तो इसके बाद जो है कॉन्टेक्ट इन्फो शॉर्ट कोड वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काफी सारी चीजें जो है आपको देखने, यहाँ पे लाइन ऑफ कोड मतलब ये जो है कितने लाइंस में बनाया गया, इसका जो साइज है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो योस्ट है वो 95.8 यहाँ पे किलोबाइट्स है, तो उसमें डिफाइन है उतना साइज है इसका, जबकि यहाँ पे जो है रैंक मैथ एसईओ सिर्फ 32 किलोबाइट्स के अंदर जो है हमें अवेलेबल है। इसके बाद जो है यहाँ पे काफी सारे और भी ऑप्शन जो है आपके पास देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे जाके आप जो है खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर रैंक मैथ एसईओ करते हो, आपको कोई परेशानी आती है, कोई भी आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे 24x7x365 जो है मतलब साल के किसी भी दिन कभी भी जो है आप यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं, जो कि फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो आप इसको डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि अब मेरा अगला वीडियो जो है इसको किस तरह से डाउनलोड करके किस तरह से इंस्टॉल करना है, क्योंकि वहां से पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उन ऑप्शंस के ऊपर कहां पे टिक करना है, कहां पे टिक हटाना है, वो भी चीजें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जब रैंक मैथ एसईओ इंस्टॉल करें तो आपका परफेक्ट इंस्टॉलेशन होना चाहिए। अगर आप पहले से यूज्ड एसईओ कर रहे हैं तो आपको क्या सेटिंग्स करनी है, अगर आप यहां पे बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं, पहली बार रैंक मैथ एसईओ कर रहे हैं और आपने यूज्ड एसईओ नहीं करा है, तब आपके लिए क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, ये आपको मैं आने वाले वीडियो के अंदर जो है प्रैक्टिकल कल के वीडियो में दिखाने वाला। सो आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।